नमस्कार दोस्तों, मेरे चरण में आप सबका स्वागत है। अगर मैं आपको कहूं चंडीगढ़ से मनाली की इम्पोर्टेंस क्या है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि सच बात भी है। लेकिन अगर मैं कहूं चंडीगढ़ से मनाली और मनाली से लेह लद्दाख, ये आपका आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये आपका चाइना बॉर्डर से टच होता है। और किसी भी देश की तरक्की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि बॉर्डर की सिक्योरिटी कैसी है और साथ ही वहाँ आना जाना कैसा है लोगों का। तो ये जो रोड है चंडीगढ़ से मनाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड हो जाता है। अटल टनल भी एक एग्जांपल है। इसका काम कंप्लीट होने के बाद सेना के टैंकर हो गए, लोगों के लिए काफ़ी सुविधा हो गई। तो चलिए आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे चंडीगढ़ से मनाली किस तरीके से ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट बन रहा है, फोर लेन बन रहा है, अब सुरंग बन रहा है और साथ ही ब्रिजेस बन रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि चंडीगढ़ से हम मनाली जाते हैं तो आपको स्वर घाट पड़ता है। स्वर घाट के कैची मोड़ से मंडी के भावनगर तक आपका ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट 41 किलोमीटर का बन रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है कि स्ट्रेट रोड होगी, जिससे आपकी जो दूरी है वो आपकी अब 31 किलोमीटर कम हो गई है। पहाड़ में 31 किलोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही आपका मंडी से लेकर मनाली के बीच आपका 5 सुरंग और 22 पुल बन रहे हैं। मतलब जब हम चंडीगढ़ से मंडी मनाली जाएंगे तो आपका किरतपुर से मंडी नेरचौक तक आपको स्ट्रेट रोड मिलने वाला है और साथ ही ये जो काम है ये दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। तो कुल मिला के ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट हो गया, टनल हो गया और साथ ही ब्रिज हो गया। ये सारा काम एक साथ चल रहा है, जैसा कि आप वीडियो पर भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इससे बहुत आर्मी के लिए बहुत आसानी हो जाएगी और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।